हेलो बडीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी भूमि। सो हियर आई विल शेयर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट विल हेल्प यू ऑल टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। सो बिफोर यू फिल अप योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मेक श्योर यू हैव कीप इन योर माइंड दिस द फॉलोइंग थिंग्स। सो वेरी फर्स्ट इज your caste certificate. If you belong to your reserve category, that is OBC, NCL, EWS, then keep in mind and make sure that your certificate must be issued after 1st April. Because अगर आपके 31st मार्च का भी हुआ तो वो उसमें आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। सो मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट 1st अप्रैल के बाद के होने चाहिए। एंड अगर आपके नहीं बने तो डोंट वरी, मेरे भी नहीं बना था। मैं भी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, मेरे भी नहीं बने थे। मेरे अराउंड 10 डेज में बन के आ चुके थे। एंड मेरी तरह पैनिक नहीं करो, अपने पापा को जाके बोलो, वो तुरंत करवा देंगे। एंड थोड़े पैसे लगे थे पर दे देना, एडमिशन तो हो जाएंगे ना। सो द सेकेंड पॉइंट इज सब्जेक्ट मैपिंग। इट वॉज क्लियरली सेड डैट कि जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में अपेयर किया है वही सब्जेक्ट आपके CUET एग्जाम में भी होने चाहिए। बट जनरल टेस्ट के बारे में नहीं, क्योंकि जनरल टेस्ट एक तो ऑप्शन सब्जेक्ट है, सो वो हो सकती है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो आप में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं, जैसे किसी के फादर्स नेम में कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। सो इस चीज़ को पहले तो ठीक कराओ, उसके बाद उसको अपलोड करना, क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है। एंड बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भरे पड़े थे कि क्लास 10th के डीजी लॉकर वाला अपलोड कर दिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी खुद भी किया है, मेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है, बट अगर होगा तो मैं वहाँ पे डाल दूंगी। कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज क्लास 10th का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आपका डेट से डेट ऑफ बर्थ मैच करने के लिए होता है। लेकिन क्लास 12th का रिजल्ट अच्छे से डालना एंड वहाँ पे नंबर्स डालने का ऑप्शन मिलता है, वो भी बहुत ही अच्छे से डालना, क्योंकि इस बार क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। आप लोगों ने न्यूज तो सुना ही होगा। सो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना। एंड बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि DU के CSS पोर्टल का पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या है। सो सबसे पहले बात मैं क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहला प्रोसेस होता है, CSS पोर्टल ओपन होता है, फेज वन होता है, जिसमें फेज वन में आप लोगों ने हमें सभी को रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के लिए OBC जनरल कैटेगरी ये सबको 250 रुपीज़ लगते हैं एंड ST SC ये सबको 100 रुपीज़ लगते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स भरने के बाद, कुछ दिनों के बाद, अभी 15th हो रहा है, अभी 14-15th को आएगा आपके प्रोविजनल आंसर सीट CUET के वेबसाइट पे। प्रोविजनल आंसर सीट आने के बाद ऑब्जेक्शन विंडो खुलती है, जिसमें आपको लगता है कि अगर वो आंसर सही है जो आपने टिक करा है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। एंड देन अराउंड 25th में जून तक रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर उसी के जस्ट तुरंत बाद CSS पोर्टल का फेज 2 खुलेगा। फेज 2 में आप लोगों को अपना प्रेफरेंस, कोर्सेस, कॉलेजेस, सब चीज डालना उसी के हिसाब से। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। अगर आप लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मेरा कोर्स है बीकॉम ऑनर्स। एंड आप अगर आपका भी चॉइस है बीकॉम ऑनर्स लेने का तो मैंने अपने लिए एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाया है। सो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं अपना शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। सो ऑल यू नीड इज टू कमेंट बिलो, बिकॉज इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर गाइड चाहिए। मेरी एक नेबर ही है, वो DU यूनिवर्सिटी में LSR में पढ़ रही है। सो उन्होंने मेरे को गाइड किया है। सो आप लोगों भी चाहिए तो मैं तो हुई आप लोगों के लिए, बस कमेंट कर दो ताकि मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। एंड उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका CSS पोर्टल में फेज 2 खुल गया। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होंगे एंड उसके बाद फिर कॉलेज मिल गया, आप फिर एडमिशन। बस यही पूरा प्रोसेस है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक इट एंड फाइंड इट हेल्पफुल। एंड इफ दिस हेल्प यू दैट इन एक्सटेंड तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज बहुत ही मेहनत से वीडियो शूट होती है। सो सब्सक्राइब कर देना, आगे तक बने रहना एंड ताकि हम सभी अपने अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाए। बाय बाय, राधे राधे।